नमस्कार, मैं दिव्या धराधर थी। इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते हुए प्रमुख खबरों। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सबकी सियासी एकता से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। जब हमारे बीच में बातचीत की कमी होती है तो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम पूरी दुनिया में डायलॉग का माहौल बनाएं। भारत की तारीफ़ करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने भारत में अलग अलग धर्मगुरुओं से बात की और हिंदू धर्मगुरुओं से बात की तो यहाँ के लोगों ने आपसी भाईचारे और एक साथ मिलकर रहने पर जोर दिया। ऐसी मिसाल मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस के मेकर्स को जल्द ही कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। ये फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है। फिल्म में काम करने का दावा करने वाले मयंक मधुर ने अब कहा है कि वह तेजस के निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। मयंक ने यह दावा किया कि कंगना ने उन्हें टिकू वेट्स सेरू में सहयोगी निर्माता के रूप में श्रेय देने का आश्वासन दिया था, लेकिन उनके नाम का उल्लेख केवल विशेष धन्यवाद के तहत किया गया था। मयंक ने आगे बताया कि इसलिए मैंने अदालत जाने का फैसला किया है। ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी दे दी। इसी के साथ तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया और केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एसवी भट्टी की सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को हरी झंडी मिल गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसकी पुष्टि की है। उनकी नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 32 हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव और उसके परिणामों की घोषणा, मतदान के दिन चुनावी धांधली होने के आरोपों से जुड़े विषयों की सुनवाई के सिलसिले में अदालत के अंतिम आदेश पर निर्भर करेगी। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चुनावी धांधली के आरोप लगाने वाली 3 याचिकाओं पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोध दस्ते ने बीते दिनों अलकायदा से जुड़े एक ग्रुप के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पुलिस का मानना है कि ये संदिग्ध एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। ये पाकिस्तान और कश्मीर में मौजूद अपने हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में थे। गिरफ्तार आरोपी 38 वर्षीय सद्दाम शेख के सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को कई ऐसे वीडियो मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि उसे बड़े हमलों के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इन दिनों भारत में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला चर्चाओं में है, जो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई है। हाल ही में पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी सचिन के साथ गिरफ्तार किया है, लेकिन अदालत ने उन दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस और एजेंसियां सीमा के मामले में छानबीन कर रही हैं। भारतीय कानून के अनुसार सीमा हैदर को अवैध प्रवासी माना जाएगा, लेकिन वह धर्म परिवर्तन के बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत सचिन के साथ शादी कर सकती है। भारतीय वायुसेना के अनुसार 14 जुलाई को आयोजित होने वाले बेस्टिल डे परेड से पहले भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना ने राफेल के साथ आसमान में अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि पेरिस में भारतीय त्रि सेवा दल ने 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस परेड के लिए फ्रांस में अभ्यास सत्र आयोजित किया है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहायक सचिव विनोद तोमर की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। 6 महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ तोमर के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में बताया गया है कि विनोद तोमर पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की तरह से मदद करते थे। तोमर की यही कोशिश रहती थी कि जब भी कोई महिला रेसलर बृजभूषण से मिलने जाए तो वह अकेली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने पूरे भारत में बम विस्फोट कराने के लिए पाक समर्थित आतंकवादियों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित इंडियन मुजाहिदीन साजिश मामले में 4 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वे भारत में रहने वाले पाकिस्तान स्थित मुख्य आरोपी रियाज भटकल और यासीन भटकल सहित IIM के सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध में थे। आतंकवाद रोधी एजेंसी ने कहा कि 4 आरोपियों ने हैदराबाद और दिल्ली सहित महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी की थी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश के गांव भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं और ग्रामीण अर्थतंत्र की आत्मा मानी जाने वाली हमारी कृषि अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को आज़ादी के अमृतकाल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार बनने का आह्वान किया ताकि देश के विकास में गांवों की भूमिका सुनिश्चित हो सके। एशिया कप 2023 का मसला अब सुलझता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल पर सहमत हो गए हैं। फैंस इस टूर्नामेंट के शेड्यूल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। डरबन में ICC की मीटिंग में BCCI और PCB के बीच चर्चा हुई, जिसके बाद अब जल्द ही टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो एशिया कप का पूरा शेड्यूल 14 जुलाई को जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 22 राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी SDRF के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
इस मंथ के लिए केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को सबसे अधिक 1420.80 करोड़ रुपए दिए हैं। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदि पुरुष रिलीज के बाद से ही लगातार मुश्किलों का सामना कर रही इस फिल्म को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वहीं धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर मामला अदालत में भी चल रहा है। इस बीच फिल्म के मेकर्स को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तगड़ा झटका मिला है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तत्काल अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें विवादास्पद फिल्म आदि पुरुष के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था। अगर आप भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए राहत भरी हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट में सस्ते इलेक्ट्रिक वाहन आने का रास्ता साफ हो गया है। जानकारी के मुताबिक अब नई तकनीक से इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद वाहनों की कीमत पेट्रोल वाहनों से भी सस्ती होने की संभावना जताई जा रही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई सभाओं के में इस प्लान की चर्चा देश की जनता के साथ कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति जरा भी सम्मान नहीं है। शीर्ष कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ कैदियों की सजा में छूट के संबंध में उसके निर्देशों के अनुपालन में करीब 1 साल की देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए यह टिप्पणी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जल्द ही पता बदलने वाला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपना आवास राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पिछले 23 साल 127 दिनों से सीएम पद का कार्यभार संभाल रहे। आने वाले 22 जुलाई को यानी ठीक 10 दिन बाद वह दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले नेता का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। उन्हें पहली बार मार्च 2000 में ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया और तब से आज तक वह मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन में शामिल रहने वाले शिक्षकों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से राज्य के सभी SDM और जिला अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति की जाँच कराने का आदेश दिया गया है। पिछले महीने अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद इलन मस्क भारत में अपनी खुद का सप्लाई चेन इकोसिस्टम स्थापित करने की संभावना तलाश रहे हैं, जिससे सस्ती इलेक्ट्रिक कारें तैयार की जा सके, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने सबसे पहले सरकारी सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने इंसेंटिव और टैक्स बेनिफिट्स की मांग के साथ भारत में अपने ऑटो पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स चेन स्थापित करने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिन की फ्रांस यात्रा पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। फ्रांस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अपनी यात्रा को कई मायनों में खास बताया और कहा है कि दोनों ही देश तमाम क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान फ्रांस के साथ कई अहम रक्षा समझौते भी हो सकते हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि फ्रांस और भारत के बीच UPI को लेकर भी डील पक्की हो सकती है। एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अपग्रेड के पूर्व CEO अर्जुन मोहन को अपने इंटरनेशनल बिजनेस का CEO नियुक्त किया है, यह जानकारी सूत्रों ने मनी कंट्रोल को दी है। मोहन पहले 11 सालों से अधिक समय तक बायजूस के चीफ बिजनेस ऑफिसर के रूप में काम कर चुके हैं। एक नई रिसर्च में प्रकृति में हो रहे बदलाव को लेकर नया खुलासा किया गया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि दुनिया में आधे से ज्यादा महासागरों का रंग बदल चुका है। यह रंग परिवर्तन धरती के जमीनी हिस्से से भी बड़े समुद्री क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुका है। केंद्र सरकार ने अब सशस्त्र सैन्य बलों के बीच बाजरे के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया। इसके जरिए सरकार सैन्य बलों में सुरक्षित पोषक तत्वों से भरे खाने की आपूर्ति को सुनिश्चित करना चाहती है। इससे जुड़े एक समझौते पर गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हस्ताक्षर किए। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा कुश्ती के संचालन के लिए नियुक्त तदर्थ समिति ने एशियाई खेलों के लिए बहुप्रतीक्षित कुश्ती ट्रायल 22 और 23 जुलाई को आयोजित करने का बुधवार को फैसला किया। समिति हालांकि अभी यह निर्णय नहीं ले सकी है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों में से किसी को ट्रायल में छूट दी जाए या नहीं। एशियाई ओलंपिक परिषद से इस तिथि को 22 जुलाई से आगे बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया। इसके बाद तदर्थ समिति ने नई दिल्ली में बैठक की और निर्णय लिया कि पुरुषों के ग्रीको रोमन और महिलाओं के ट्रायल 22 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे और फ्री स्टाइल टीम का चयन अगले दिन होगा। भारत में टमाटर की तरह ही उसका भाव भी खूब लाल है। कई जगहों पर ये 200 के पार पहुंच गया है। बिहार में भी टमाटर 150 रुपए किलो से ज्यादा कीमत पर बिक रहा है। टमाटर की आसमान छूती कीमत को देखते हुए भारत के पड़ोसी देश नेपाल से इसकी खूब तस्करी चल रही है। नेपाल से रोजाना 200 से 300 घोड़ा गाड़ी यानी टमटम से टमाटर तस्करी कर रक्सौल पहुंच रहा है। इसके बाद रक्सौल से ट्रकों में भरकर देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया है कि प्रस्तावों को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताब में एक बड़ी गलती सामने आई है। किताब में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की तस्वीर उल्टी दिखा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि किताब छपने के बाद बच्चों को वितरित करने के लिए स्कूलों तक पहुंच गई और वहां से बच्चों को भी बात दी गई है। विधानसभा मार्च पर बिहार विपक्षी पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन समेत कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। इन लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने को लेकर हिरासत में लिया गया। वह हिरासत में लेने के दौरान सम्राट ने कहा कि सरकार को यह लगता है कि भाजपा के लोग आतंकवादी हो गए, इसलिए हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और हिरासत में लिया गया है। यूके की बाथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने चीड़ के पेड़ से निकलने वाले एक केमिकल से दर्द की दवाइयां जैसे पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन और परफ्यूम वगैरह बनाने का तरीका खोजा। इसे बड़ी खोज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां दवाएं बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कच्चे तेल से निकलने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है, जबकि दुनिया नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य पाना चाहती है। वहीं जिस केमिकल के इस्तेमाल से वैज्ञानिक पेनकिलर बना रहे हैं वो असल में पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज का कचरा है। कोयला तस्करी मामले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक के एक बार फिर से तलब किया है। उन्हें इस महीने के तीसरे हफ्ते में दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय आने को कहा गया। दिए गए समय पर घटक ईडी दफ्तर में पेश होंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हालांकि इसके पहले भेजे गए नोटिस के जवाब में कानून मंत्री ने पंचायत चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, दिल्ली आकर सारे सवालों का जवाब दूंगा। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमन कुमार, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, नौशाद अंसारी, अनवर करीम खान। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अभी हाल में ही पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर के अवैध तरीके से भारत आने की खबर सामने आई है, जो कि सीमा सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।